सो हेलो गाइज, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अज्जू भाई जो है अमित भाई से कैसे मिले, मतलब हाउ अज्जू भाई मीट अमित भाई फर्स्ट टाइम। सो गाइज कैसे मिले वो लोग, एंड गाइज वो जो है अभी जो है बहुत ही अच्छे दोस्त है, आप लोगों को पता होगा, एंड स्ट्रीम वगैरह भी एक साथ ही करते हैं। सो गाइज वो जो है कैसे इन लोगों को मतलब मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, एंड गाइज ये लोग जो है अच्छे दोस्त बने। सो गाइज आज अपन इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग बात करेंगे, एंड गाइज आप लोगों को फुल्ली एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं इस वीडियो के अंदर। सो गाइज वीडियो को फुल वॉच करना क्योंकि गाइज वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। सो गाइज वीडियो को फुल वॉच करना, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। आज से करीब 1.5-2 साल पहले जब अज्जू भाई नया नया चैनल ओपन किए थे, एंड गाइस उसके बाद जो है उनका चैनल अच्छे से चलने लगा, एंड गाइस उनके पास जो है अप्रॉक्स 500K के करीब सब्सक्राइबर्स थे। उस टाइम पे जो है अमित भाई जो है अज्जू भाई के साथ नहीं मिले थे, एंड गाइस अज्जू भाई को पता भी नहीं था कि अमित भाई बोल के भी कोई है एंड देसी गेमर्स बोल के भी कोई है, बिकॉज जो है उस टाइम पे अमित भाई का कोई भी चैनल नहीं था, एंड गाइस वो जो है सिर्फ और सिर्फ गेम पे अच्छा एक्सपीरियंस था उनका। एंड गाइस वो जो थे उस टाइम पे अमित भाई सर्वाइवर्स गिल्ड पे थे, एंड गाइस सर्वाइवर्स गिल्ड के जो मेंबर्स है बहुत सारे मेंबर्स है जैसे कि अघोरी भाई, रामरो भाई एंड एलेक्स। सो गाइस बहुत सारे बंदे जो है उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, मतलब अमित भाई को जो है बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते थे कि उनको बोलते थे कि आप चैनल ओपन करो, हम लोग चलाएंगे आपका चैनल, मतलब हम लोग जो है आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे बिकॉज हमारे पास उतना अच्छा मोबाइल वगैरह है नहीं एंड नेट वगैरह भी नहीं है, इसलिए जो है आप ओपन करो, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे। सो गाइस वो लोग जो है अमित भाई को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट किए थे, एंड गाइस उसके बाद जो है अमित भाई ने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया, मतलब यूट्यूब चैनल तो थे अमित भाई के पास लेकिन उस पे जो है फ्री फायर का ऑडियंस नहीं था, लेकिन गाइस उसके बाद से जो है अमित भाई अपना रेगुलर वीडियो डालने लगे, एंड जैसे जैसे ऑडियंस मिलने लगा बहुत सारे बंदे उनको पहचानने लगे। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, अघोरी गेमिंग जो है या फिर बोल सकते हो अघोरी भाई या फिर संजू भाई जो है वो उस टाइम पे जो है बहुत ही अच्छा खेलना आता था, मतलब बहुत ही अच्छा वो गेम पे एक्सपीरियंस बना लिए थे, एंड गाइस उस टाइम पे जो है वो हीरक जाते थे जो कि मतलब बहुत ही बढ़िया वाला बात है, क्योंकि गाइस उस टाइम पे हीरक जाना मतलब अभी के ग्रैंड मास्टर जाने के बराबर। सो गाइस उस टाइम पे जो है लोग हीरोइक जाते थे एंड बहुत ही अच्छा गेम प्ले था। सो गाइस एक दिन जो है अघोरी भाई गए अज्जू भाई के स्ट्रीम पे, एंड अज्जू भाई आप लोगों को पता होगा अज्जू भाई जो है कस्टम वगैरह क्रिएट करते हैं, एंड गाइस कस्टम पे जो है बहुत बार जो है बुया किया उन्होंने, मतलब अघोरी भाई ने जो है बहुत बार बुया किया है अज्जू भाई के स्ट्रीम पे। सो गाइस ये बात देख के अज्जू भाई को जो है बहुत ही ज्यादा पसंद आया अघोरी भाई को, मतलब अघोरी भाई का गेम प्ले जो है अज्जू भाई को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उसके बाद जो है अज्जू भाई सामने से उनको रिक्वेस्ट भेजे एंड अपने स्ट्रीम पे खिलवाने लगे, लेकिन गाइस उसके बाद से जो है अघोरी भाई का जो है काम रहता था बिकॉज जो है उनका एक कपड़े का शॉप है या फिर बोल सकते हो क्लॉथ शॉप है। सो गाइस उसमें जो है उनको काम रहता था, इसीलिए जो है वो अपने यूट्यूब चैनल या फिर बोल सकते हो अपने गेम के ऊपर जो है फोकस नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए जो है उन लोगों ने जो है मतलब अघोरी भाई ने जो है अज्जू भाई के साथ खेलना कम कर दिया, लेकिन जो है उस टाइम पे जो है अमित भाई के साथ बहुत ही ज्यादा खेलते थे अघोरी भाई, इसीलिए जो है अज्जू भाई के साथ जो है अमित भाई को मिलवा दिया अघोरी भाई ने। सो गाइस पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है अज्जू भाई को मिलवाने का पूरा क्रेडिट जाता है अमित भाई को मिलवाने का पूरा क्रेडिट जाता है सिर्फ और सिर्फ अघोरी भाई को। सो गाइस अघोरी भाई ने जो है अज्जू भाई से अमित भाई को मिलवा दिया एंड बोला कि ये बंदा भी बहुत अच्छा है, खेलता भी है एंड बात भी करता है, एंड उस टाइम पे अज्जू भाई को जरूरत था कोई अच्छा बात करने वाला बंदा जो कि स्ट्रीम पे बहुत ही ज्यादा एंटरटेन करवाए बंदों को एंड बहुत ही अच्छा अच्छा बात बोले जैसे कि आप अभी भी देखते होंगे। एंड गाइस ये सारे का सारा सिलसिला चलता रहा एंड अमित भाई जो है अज्जू भाई के साथ धीरे धीरे सेटल होने लगे एंड बहुत ही ज्यादा खेलने लगे। सो गाइस उसके बाद से जो है वो लोग आज तक खेलते रह रहे हैं, मतलब आज तक इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं। सो गाइस इन लोगों में जो है कभी इन लोगों में दरार नहीं पड़ी है एंड बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं वो लोग, अभी भी जो है इतना अच्छा फ्रेंड्स बने हुए हैं एंड अभी भी बहुत ही अच्छा गेम प्ले करते हैं दोनों साथ में स्ट्रीम करते हैं एंड दोनों सब कुछ करते हैं साथ में, आप लोगों को पता होगा, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं बोल रहा हूँ, ऑनलाइन सब कुछ मतलब साथ में ही करते हैं जैसे कि मूवी वगैरह देखना या फिर बोल सकते हो और कोई गेम खेलना। सो गाइस सब कुछ इन लोगों का प्लान के हिसाब से होता है एंड गाइस अमित भाई अज्जू भाई जो है अभी बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। सो गाइस आप लोगों को होप करते हैं कि पता चल ही गया होगा कि अज्जू भाई अमित भाई से कैसे मिले, एंड गाइस आप लोग अगर समझ गए होंगे तो बहुत ही अच्छे, अगर नहीं समझे तो सो गाइस एक बार वीडियो आप लोग फिर से देख लेना, पूरा फुल वॉच कर लेना। और गाइस अगर होप करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं आप लोगों के लिए। और गाइस मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।